दोस्तों वेलकम टू एस टेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको लावा ब्लेज 5G के बारे में बताऊंगा। ये फ़ोन कैसा है, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, अगर आपको ये लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो किस कारणों से नहीं लेना चाहिए। पर उससे पहले मैं आपको इस मोबाइल के बारे में कुछ इसकी खासियत बता देता हूँ, जो इन मोबाइल में दे रखी हैं इसके कुछ खास खास फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि यह आपको दो कलर वेरिएंट में मिलता है, ग्रीन और ब्लू। बात करें इसके कुछ खास फीचर्स की, तो इसमें आपको 6.5 इंच की HD वाली डिस्प्ले दे रखी है, जिसमें 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है। वहीं इसमें स्टोरेज 128 GB मिलती है। रैम 4 GB और 3 GB दो वेरिएंट में मिलता है, पर अभी अवेलेबल सिर्फ 4 GB रैम वाला ही है। 3 GB रैम वाला अभी तक वेरिएंट उपलब्ध नहीं हुआ है, पर मेरे हिसाब से वैसे भी जो वेरिएंट उपलब्ध है वही इसका बेस्ट वेरिएंट है। 3 GB वेरिएंट इस टाइम लेने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब से। तो इसके प्रोसेसर की बात करते हैं, इसमें आपको डायमेंसिटी 700 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि 5G प्रोसेसर है, जो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से बात करें तो। GPU की बात करें तो इसमें आपको मालिका G75 MC2 वाला मिलता है, जो ठीक ठाक है। इसमें आपको नॉर्मल रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हैं। हैवी टास्क के लिए तो नहीं है, पर नॉर्मल टास्क के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और अगर बात इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की करें, तो ये आपको एंड्रॉयड 12 के साथ मिलता है। इसकी क्लीन UI मिलती है बिल्कुल आपको एंड्रॉयड 12 की। इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं जोड़े गए हैं कंपनी की तरफ से। बात इस फ़ोन को अच्छी बनाती है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फीचर जोड़ देते तो ये भारी हो जाता है, जो आपको लगी महसूस होता है। पर ये क्लीन एंड्रॉइड के साथ आता है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें 90 Hz की रिफ्रेश रेट भी है, तो आपको काफ़ी फास्ट भी महसूस होगा। और अगर इसके कैमरा ही करें, तो इसमें आपको 50 MP का रियर कैमरा मिलता है, उसके साथ दो और कैमरा मिलते हैं, जो कि 2 MP का माइक्रो और 1 VGA वाला है। वहीं अगर इसकी सेल्फी की बात करें, तो आपको मिलता है 8 MP का। इस फ़ोन के कैमरा से आप डे लाइट में तो अच्छी फोटो ले सकते हैं, पर लो लाइट में कोई खास भी फोटो नहीं आती है। ये इस फ़ोन की बात नहीं है, ये जो इस प्राइस रेंज में आते हैं 10,000-11,000 रुपये में, वो सभी के साथ इसकी ये प्रॉब्लम बनी रहती है। रात को कोई खास फोटो नहीं आती, आपको डे लाइट में काफ़ी अच्छी फोटो मिल जाएंगी इसे। इसी के साथ ये फ़ोन 5G है, इसमें वो सभी बैंड हैं जो इंडिया में सपोर्ट करने वाले हैं आगे चलकर, तो इसमें आपको 5G इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप आँख बंद करके इसको खरीद सकते हैं। और इसके कुछ नॉर्मल फीचर्स की करते हैं, इसमें आपको MicroSD का सपोर्ट मिलता है, Wi-Fi का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ मिलता है, GPS मिल जाता है, रेडियो फीचर मिल जाता है, USB Type-C है, OTG का सपोर्ट मिल जाता है, और फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। बात करें अगर ये फ़ोन आपको क्यों लेना चाहिए, तो देखिए ये फ़ोन 11,000 में आता है, और अगर बैंक ऑफर वगैरह लगाते तो आपको 10,000 के आसपास पड़ेगा। प्राइस रेंज में आपको 128 GB की स्टोरेज देता है, और साथ ही में 5G का सपोर्ट देता है, 5000 mAh की बैटरी देता है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो आप इसको ले सकते हैं बिल्कुल। बात करें इस मोबाइल की कुछ कमियों की जो मुझे लगी हैं, तो सबसे पहले तो इसकी डिस्प्ले में मुझे कमी लगी है। ये HD वाली डिस्प्ले है, इस प्राइस रेंज में कम से कम फुल HD वाली डिस्प्ले देनी चाहिए थी। वहीं इसकी डिज़ाइन की बात करें, वो भी अब पुरानी हो चुकी है। इसमें वाटर ड्रॉप नोज दे रखी है, जो कि थोड़ी अब पुरानी हो गई है। और साथ ही में इसको जो चार्ज करने के लिए आपको चार्जर दिया गया है, वो भी स्लो है, 10 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। मेरे हिसाब से कम इसमें थोड़ा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये फ़ोन आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें कुछ कमियां हैं, पर उस कमियों को आप इग्नोर कर सकते हैं। जो इसके फीचर है वो ज़्यादा अच्छे हैं इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से। फ़ोन लेने के बाद आपको ऐसा तो महसूस बिल्कुल नहीं होगा कि मैंने गलती कर दी। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस मोबाइल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एस टेक चैनल।